क्या बात है। तो भाई साहब नॉर्मल है, कैसा लग रहा है आप बताइएगा। मैंने कहा ये पता नहीं किसका गिरा जूंगा। अरे वाह वाह क्या बात है। इसके क्या रेट है? बरेली की खास चीज़ों को आपसे रूबरू करवा रहे हैं, तो बरेली में तो सुरमा नहीं बजना चाहिए भाई। बरेली का सुरमा दूर दूर तक जाना और माना जाता है, और इस वक्त हम बरेली में चौकी चौराहे पर है, और यहाँ पर देखिए सुरमे की शॉप है। बरेली का फेमस सुरमा है, और ये वो सुरमा है जो कि सिर्फ बरेली में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक जाता है, विदेशों में जाता है, और सऊदी अरब के खास पत्थर से तैयार होता है सुरमा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका खानदानी काम है सुरमे का। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद। फरीद भाई कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये बताइए बरेली के सुरमे के बारे में जानना चाहेंगे। जी जी जी, सुरमा देखिए ऐसा है कई प्रकार का होता है, और अलग अलग सुरमे सब बनते हैं, और सुरमा आज का नहीं एक सदियों पुराना चला आ रहा है। सुरमे की खास बात यह है कि सुरमे जैसे पहले होता है नॉर्मल लगाने के लिए, जो आँखों की में जलन है, खुजली है, ख़ारिश होती है, तमाम उसके लिए फ़ायदा देता है। उसको फैमिली में बच्चे बड़े बच्चे मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है जैसे कि आँखों की सफाई और गंदगी करने के लिए होता है, लेकिन उसको जो होता है आम आदमी नहीं लगाता, उसको सिर्फ बड़े इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब मिर्ची लगती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और तीसरा देखिए ऐसा होता है जैसे कोई ऐसी की आँख में कोई कैटैक होता है, यानी कि कोई मोतिया है, कोई जाला है, उसके काम में आता है। लेकिन उसको पक्की बात है ये अगर रेगुलर अगर इस्तेमाल करें तो उसमें फ़ायदा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा। ये नहीं कि आपने अगर 4 दिन या 6 दिन लगाया फ़ायदे के तौर पे आपने फ़ायदा देखा उसको फिर आपने छोड़ दिया, तो वो आपका जो है वो पैसा खर्च करना वो आपका बेकार है। तो इसलिए अगर उसको इस्तेमाल करें डेली एज के हिसाब से तो मैं समझता हूँ मतलब 100% एक फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊँगा जो मैंने अभी कहा, उसको कंटिन्यू से इस्तेमाल करना पड़ेगा सुबह और शाम बराबर, यानी कि दिन में 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुबह आप लगा लिए उसको जैसे कुल्ला उल्ला करते हैं अपने, उस टाइम में आप इसको इस्तेमाल कर लिए, या कुल्ला करने के बाद में इस्तेमाल कर लिए। दूसरा जो होता है जैसे रात को सोते समय टाइम होता है, और जब बिल्कुल आप सोने का टाइम जा रहे हैं तो उस समय एक एक सलाई दोनों आँख में लगाइए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ जो पहले थी आज भी वो चीज़ मौजूद है। बहुत बढ़िया। ये बताइए बरेली में जो सुरमा है वो कब से बनाना शुरू हुआ था? ये मैंने आपको भी बताया ना, ये तो पीढ़ी एक दर पीढ़ी चला जा रहा है, मतलब आज से नहीं इतने कई पीढ़ी हैं अपना सुरमा का काम करती चली है, और आज भी सुरमा का काम। यहाँ शुरू किसने किया? शुरू हाशम साहब ने शुरू किया, जो हाशम साहब जो थे जिनका नाम पूरे भारत में किया, पूरे विदेशों तक में बरेली का सुरमा हाशम साहब का, वो पहले भी था, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ आज भी है वो चीज़। आज हाँ, लेकिन उसको इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके पे तो पक्का फ़ायदा मिलेगा। किस चीज़ का बनता है सुरमा? तो देखिए बेत एक पत्थर होता है, पत्थर को हम लोग जो होता है सील करते हैं, जैसे गुलाब का जल है, सौंफ का जल है, उसमें सील करा, कुछ 6 महीने करा, कोई 2 महीने करा, उसको निकाला, फिर उसकी सुखाया, फिर घिसाई होती है। मेन चीज़ जो होती है वो उसकी घिसाई होती है। घिसाई के साथ जो चीज़ें होती हैं कुदरती जो आँख के लिए फ़ायदा करती हैं वो चीज़ें उसमें फिसती हैं, ये और वो फ़ायदा बराबर देता है। बहुत बढ़िया। तो कुछ सुरमे दिखाएंगे आप हमें? हाँ मैं बिल्कुल आपको सुरमा दिखाऊंगा। तो भाई साहब बरेली में हैं हम, बरेली की अगर बात होगी तो सुरमे की बात कैसे नहीं होगी। तो भाई साहब हम यहाँ पर हैं फुवारा चौक पर, हम यहाँ पर हैं चौकी चौराहा पर, बरेली में हम चौकी चौराहा पर मौजूद हैं, और बरेली में जब हम हैं तो फिर सुरमे की बात तो होना ही है। तो भाई साहब देखिए ये सुरमे लगा दिए, कौन कौन सुरमे हैं ये? ये देखिए इसमें नॉर्मल सुरमा है। अच्छा, जो फैमिली के पर्पज़ से है, आँखों में फ़ायदा देता है, आँखों के लिए अच्छा काम करता है। अच्छा। एक सुरमा है ये जैसे कि आँखों में जाला है, कम दिखाई देना, चश्मा लगाना, ये उसके लिए, ये 2 सुरमे होते हैं। अच्छा, अच्छा, और ये उसी हिसाब से अगर लगाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, इनके रेट क्या क्या है? इसका बहुत सस्ता है, 40 रुपये का, 50 रुपये का एक बताया गया। जी बहुत सस्ता। जी हाँ जी, वक्त को देखते हुए तो सुरमा बहुत सस्ता चीज़ है ना। हाँ, बहुत सस्ती चीज़ है। बहुत बढ़िया जी। तो भाई साहब 40 रुपये में, 50 रुपये में भाई साहब सुरमा है, और ये जो सुरमा है ये मोहम्मद जावेद एंड मोहम्मद हाशम। जी 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 जी। अरे ये जावेद साहब कौन है? ये जावेद साहब इनके बेटे हैं। अच्छा, बेटे इसके अनकर रिसेट किया है इसको। अरे वाह वाह भाई साहब। तो देखिए यहाँ पर बरेली में सबसे ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर चौकी चौराहे पर शॉप है, तो एक सादा वाला हमें लगा के दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल। तो भाई अब देखिए सुरमा जो है वो लगाया जाएगा, और यहाँ पर अंकल जो है लगाते हैं। अंकल उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र लगभग जो है ना 55 होगी।
अच्छा, तो आप शुरू से ये काम करते हैं? जी जी, मैं शुरू से ये काम। अच्छा, ये शॉप है आपकी? जी जी जी। कब से कब तक खुलती है ये? सुबह 9 बजे से खुलती है, शाम 9 बजे तक। अच्छा, सुबह 9 से शाम 9 बजे तक। तो भाई अगर आप बरेली के हैं या बरेली घूमने आए हैं तो एक बार आप इनकी शॉप पर ज़रूर आइए। सुबह 9 बजे से खोलते हैं और शाम के 9 बजे तक लगाते हैं। देखिए कितनी शानदार तरीके से भाई इसको खोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सुरमा जो है पहले बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे, और अब तो चूंकि मोबाइल ज़्यादा हो गया है तो इसका इस्तेमाल लोगों को बढ़ा देना चाहिए। सलाई किस चीज़ की होती है? ये सलाई कांच की है। अच्छा, कांच की। लगाने से पहले ये देखना पानी, हाँ? पानी में इसको पहले ऐसे साफ कर लिया जाता है। अच्छा, ये अब इसके ऊपर पानी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। अब आपने इसको अंदर डिप किया इस तरीके से, इसको हिला दिया आपने, ठीक है। ये सारा पाउडर इसके अंदर गिर गया। अरे वाह, ठीक है। अब आप गिलास उठाइए। क्या बात है, इससे मिर्ची नहीं लगती है? जी, नॉर्मल है, इससे मिर्च नहीं लगता। तो भाई साहब नॉर्मल है, कैसा लग रहा है आप बताइएगा। और ये सुरमा मुझे दे दीजिए आप, ये कितने का है? 40 रुपए। ये सुरमा आप मुझे दे दीजिए, इसके आप पैसे ले लीजिए, ठीक है। तो भाई बरेली में है हम, और बरेली का सुरमा लग चुका है आँखों में, और बरेली के झुमके से करी थी हमने शुरुआत। झुमका भी मेरे पास है। अच्छा, झुमका भी जरा दिखाइएगा। बरेली का झुमका भी रखते हैं अंकल, क्या बात है। तो बरेली की फेमस चीजें यहाँ पर मिल रही हैं भाई, झुमका भी है और सुरमा तो लग गया भाई साहब। अरे वाह, ये हैं झुमके हैं ये बरेली के। अच्छा, ये कहलाते हैं बरेली के झुमके, बहुत बढ़िया। वाह वाह, ये कितने के हैं? ये थोड़ा ऊपर होता है, ये ऐसी आता है 100 रुपए का, 90 रुपए की रेंज में ऐसे आता है। तो भाई साहब झुमकों की नगरी में है हम, बरेली के झुमके। यहाँ झुमका किसका गिरा था ये तो देखिए, जैसे आप ये फिल्म बना रहे हैं, हाँ। एक बार शूटिंग हुई थी तभी ये बना था। अच्छा, ये वो गाने में दिया गया था, ये गाने में दिया गया, गिरा बिरा नहीं था किसी का और नहीं था, इसे गाने में दिया गया। लोग कहते हैं कि झुमका गिरा, झुमका गिरा, मैंने कहा ये पता नहीं किसका गिरा झुमका। अरे वाह, क्या बात है, इसके क्या रेट है? ये भी इसी रेट में होता सर, बहुत बढ़िया। तो भाई बरेली में है, बरेली के हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम चल रही है। इसके साथ साथ जो खास कारोबार होता है, व्यापार होता है, उसको भी बढ़ावा देने की हम कोशिश करते हैं, और इसी मुहिम के तहत हमने बरेली में सुरमे से आपको रूबरू कराया है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।